उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कायाकल्प अवार्ड 2022-2023 एसोसिएशन का प्रोग्राम स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र सिरसागंज में हुआ। इस बीच सारी व्यवस्थाएं सही मिली, गेट से लेकर डिलीवरी रूम तक सारी व्यवस्थाओं को चेक करने के बाद कोई कमी नहीं पाई। साथ ही अधिकारियों ने ये चेतावनी भी दी कि अगर अस्पताल परिसर में मच्छर एवं मक्खियों आवारा कुत्तों का प्रवेश वर्जित करने के लिए दरवाजे पर गेटमैन एवं खिड़कियों पर बाहर की साइड से जालियां लगाकर व्यवस्था को और अच्छा किया जाए। सीएससी प्रभारी कपिल यादव ने आश्वासन दिया, ये छोटी मोटी कमी तो अति शीघ्र पूरी कर ली जाएंगी। इस लेबर रूम को हर साल 2 लाख रुपए मिलेंगे सिर्फ लेबर रूम के स्टाफ को, जिसमें से 50,000 रुपए आपके पुरस्कार का होगा, जो स्टाफ काम करेंगे। ठीक है, अगर 4 लोग हैं तो 4 लोगों में देंगे, सेवाएं बढ़ा देंगे, एसी लगा देंगे, अब बाकी अस्पताल को भी देंगे और लगातार 3 साल तक मिलता रहेगा। ठीक है, अभी हम डॉक्टर साहब को सिर्फ 5 लाख रुपए पूरे साल में देंगे, उसी में जनरेटर भी चलाना है, जनरेटर का 1 रुपए नहीं देंगे, टंगाई भी कराना है, बुदाई भी कराना है, साहबानी भी बुलाना है, सब कुछ करना है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।